अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक न्यू सेट का रिसीवर है 4000 HD, और इसमें जो कार्ड लगाया गया है वो है जी OST 1506C V18D2 V1.4। ये इसका वेरिएंट है और ये कार्ड का नंबर भी है। तो इस हमारे रिसीवर में फॉल्ट है, ना तो ये सिग्नल शो कराता है और ना ही ये क्वालिटी शो कराता है। जब हम इसकी ये जो LMB वाली पेन होती है लगाएं ना लगाएं, कोई भी शो नहीं कराता। तो आज मैंने आपको इसका ये फॉल्ट हमने इसका निकालना है कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब होती है जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर ये फॉल्ट शो कराते हैं। और उनके अगर वो वोल्ट चेक करें तो वोल्टेज भी उसके सभी ठीक होते हैं, वोल्टेज का भी कोई इशू नहीं होता। वो कहते हैं हमने S8550 जो इसका ये वाला ट्रांसफर इसको भी चेंज किया है, हालांकि ये इसका फॉल्ट ही नहीं होता। वो फिर कहते हैं हमने ट्यूनर चेंज किया, उसका भी फॉल्ट नहीं होता, प्रोसेसर तो कोई चेंज नहीं करता, कोई अच्छा कारीगर है तो वो चेंज करते हैं। तो हालांकि इनका ये इसमें फॉल्ट नहीं होता। तो फॉल्ट होता है इनकी एक 50 ओम की रेजिस्टेंस होती है, वो ख़राब हो जाती है तो उस वक्त ये फॉल्ट आ जाता है। अगर हम उसके साथ इसके PF कैपेसिटर होते हैं वो ख़राब हो जाएं तो फिर भी इसमें वैसा ही फॉल्ट आ जाता है। तो आज हमने इसके ये फॉल्ट निकालना है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ पहले के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब मैं आपको इसका फॉल्ट शो करा देता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इस रिसीवर ने ना तो सिग्नल शो कराया और ना ही ये क्वालिटी शो करा रहा है। तो अब मैंने इसका जो 50 ओम की रेजिस्टेंस है जो ख़राब है हमारी, तो अब मैं उसको शॉर्ट करूँगा तो हमारा जो ये रिसीवर है ये फौरन चैनल लेकर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट मैंने पहले निकाल लिया था, सिर्फ आपको बताने के लिए इसकी मैंने ये चीज़ को इसकी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया था। तो अब जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया और ये हमारा रिसीवर सिग्नल और क्वालिटी लेकर आ गया था। और अब मैं आपको इसकी जो रेजिस्टेंस ख़राब है वो भी शो करा देता हूँ, वाकई ख़राब है, और उसके बाद उसको हम चेंज भी करेंगे। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ और इसका जो कार्ड नंबर है, कार्ड के ऊपर जो इसका नाम प्रिंट है वो भी आपको बता देता हूँ। वो है हमारा R24, जो इसका कार्ड के ऊपर इसका नेम प्रिंट है वो है ये वाला, ठीक है जी। और हमारी जो ख़राब है रेजिस्टेंस वो ये वाली है, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली हमारी रेजिस्टेंस ख़राब है और उसके बाद ये इसका नाम प्रिंट है R24। तो अब मैं इन दोनों की आपको वैल्यू चेक कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़राब है, ये केवों में शो हो रही है, और इसके नीचे वाली ये आप देख सकते हैं 51 ओम,
ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, अब ये 4.0 मुख्तलिफ शो हो रही है, ठीक है जी। इसको मैंने शार्ट किया था, जो हमारी ये वाली है, इसको, ठीक है जी। तो अब मैं और रिसीवर से इसको ओपन करके लगाता हूँ, और आपने इसको शार्ट नहीं करना, रेजिस्टेंस ही लगाना है, क्योंकि ये इसके बहुत एहसास वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर इसके एहसास वोल्टेज चलते हैं और पॉइंटों में शो होते हैं, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं होते। तो अब मैं कार्ड से ओपन करता हूँ। अब मेरे पास ये कार्ड है और इसकी ये वाली जो R30 है, तो ये खड़ी है और ये वाली इसकी नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम ये वाली उतार कर लगा सकते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू एक ही है, ये भी कॉमन ओम और ये भी कॉमन ओम होती है, तो इसको मैं लगाऊंगा। अब ये जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लग गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी आपको दोबारा जो वैल्यू है वो दोनों की शो करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, और ये इसकी नीचे वाली। तो अब हम दोबारा इसको लगाएंगे और दोबारा चेक करते हैं। तो लगाते ही इसने चैनल चलाना शुरू कर दिया था। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।